हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि 1 सितंबर को मार्केट ने कैसे काम किया, हमने मार्केट में से काम किया, और जो मैंने ट्रेड लिए थे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, तो इन ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। वैसे तो मैं सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम चैनल में ये सब होने से पहले ही अपडेट करता हुआ आ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो मार्केट बंद होने के बाद फिर तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, तो मैं आपको क्लियरिटी के लिए बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो, और टेलीग्राम में ज्वाइन करने के बाद आपको सारी कुछ वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रहा हमारा टेलीग्राम, और 9 बज के, देखिए यहाँ पर 33 मिनट, 9 बज के 8 मिनट पर मैंने अपने लेवल्स यहाँ पर शेयर किए थे, और 9 बज के 33 मिनट, 9 बज के 33 मिनट, 34 मिनट, सारी चीज़ें मैं ग्रुप में अपडेट करता रहता हूँ कि देखो वेरी कंफ्यूजिंग मार्केट राइट नाउ, अभी ऊपर भी एसएल है, नीचे भी एसएल है, एक साइड के एसएल क्रिएट होने दो। तो सारी चीज़ें मैं ग्रुप में बताता रहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं किया था। यहाँ पर देखिए मार्केट क्या हो गया था, साइडवेज हो गया था। अगर हम देखिए, मार्केट ने यहाँ पर हल्का सा गैप डाउन दिया था, या फ्लैट ओपनिंग जैसे हम बोल सकते हैं, तो मार्केट ने यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट यहाँ पर साइडवेज बिहेव कर रहा था। और निफ्टी में क्या हो रहा था कि निफ्टी में यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग मेरे को नज़र आ रही थी। लास्ट में जब 31 तारीख को मार्केट जब क्लोज हो रहा था, तो अच्छा सा यहाँ पर एक मूवमेंट दिया था। तो इस मूव को देखते हुए, और जब फिर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, तो मार्केट ने यहाँ पर अच्छी सी एक ग्रीन कैंडल बना दी। एंड ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनाने लग गया। तो हम मोस्टली ज़्यादातर जो है वो बैंक निफ्टी में काम करते हैं, लेकिन ये साइडवेज बिहेवियर देख के और ऊपर की तरफ भी यहाँ पर एसएल अवेलेबल थे, इस लेवल के आसपास ये सेलर के एसएल अवेलेबल थे, और नीचे भी बाहर के एसएल अवेलेबल थे, तो यहाँ पर मार्केट के चांस थे कि मार्केट ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था। तो हमने यहाँ पर पोजिशन को बनाना यहाँ पर अवॉइड किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। और उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ से बायर्स को यहाँ से क्लियर कर दिया, जब यहाँ से बायर्स को निकाल दिया, तो फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ से रिवर्स हो गया हमारे ट्रैपिंग लेवल से। मैंने ग्रुप में बोला था कि अगर 43,866 ये वाला अगर यहाँ पर मार्केट लेवल निकालता है, और तो यहाँ पर हमें अच्छी खासी सेलिंग दिखाई दे सकती है। लेकिन सिर्फ लेवल को तोड़ देने से ही ज़रूरी नहीं है कि सेलिंग आए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कि वहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर कैंडल कैसा बनाया, वॉल्यूम कैसा है, या फिर दूसरे इंडेक्स में क्या हो रहा है। तो उस चीज़ों को देखते हुए मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग नहीं हुई, ठीक है, और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, ठीक है। हमने यहाँ पर भी कॉल की पोजिशन नहीं बनाई। जब मार्केट ने यहाँ पर 44,000 का यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा के मार्केट ने यहाँ पर एम पैटर्न बनाया, और उसके बाद जब ये अच्छी सी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई, तो हमने यहाँ पर एंट्री ली थी और हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ हमने ये वाला ट्रेड किया था। देखिए, अगर आप सिर्फ सिर्फ एक रीज़न को देख कर कि यहाँ पर मार्केट ने एम पैटर्न बनाया तो मैंने ट्रेड ले लिया, सिर्फ अगर एक ही रीज़न लेकर या देख कर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कम से कम 3 या 4 रीज़न होने चाहिए आपके ट्रेड को लेने के पीछे। तो मैं आपको मेरे 2-3 रीज़न बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों किया था। पहला रीज़न तो ये था कि मार्केट ने जब ये वाला मोमेंटम किया सेल साइड का, तो नीचे की साइड भी अब कोई भी एसएल बाकी नहीं थे, यहाँ पर सारे बायर्स निकल गए। और जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देखे, फिर यहाँ पर जब मार्केट ने बायर्स को यहाँ पर एक्टिवेट किया, और 44,000 के लेवल से मार्केट ने जब यहाँ पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल दिखाकर मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, ये पहला रीज़न। दूसरा, मार्केट ने इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर बायर्स को और भी ज़्यादा वो दे दिया, कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊँगा, ठीक है। देखो, मैं यहाँ से गिरा था, यहाँ पे मैंने अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई थी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर दिया, तो लोगों के मन में क्या सोचा है कि ठीक है, यहाँ से और मार्केट गिर जाएगा। तो ये दूसरा रीज़न था कि लोग यहाँ पर सोच क्या रहे थे। तो ये सोच के जब 44,000 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो सिर्फ यहाँ पर सेलर्स काम करेंगे, तो उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएंगे ऊपर की साइड। बट जब मार्केट ने यहाँ से ट्रेड करके जब मार्केट ने रिट्रेस किया, तो नीचे की साइड कोई भी एसएल नहीं थे, सारे एसएल अवेलेबल हो गए ऊपर की तरफ। तो ये भी देख के हमने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी। तो अब हम बात करने वाले हैं निफ्टी के। निफ्टी में हमने 2 ट्रेड पकड़े थे, और दोनों ट्रेड को मैंने ट्रेड लेने से पहले ही हर चीज़ें बता दी थी कि क्या हो रहा है। देखो, अगर मैं आपको मेरा टेलीग्राम दिखाऊँ, तो
देखो मैंने यहाँ पर 9:48 पे कहा था कि निफ्टी के बाइंग में कोई दम नहीं है, कभी भी गिरने वाला है। 9:48, अब टाइम देखते रहना, और वही टाइम हम चार्ट पे देखते हैं कि 9:48 यहाँ पर करीब, 9:48, यस इस वाली कैंडल पे मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था कि निफ्टी में जो बाइंग आ रही है ये वाली, इसमें कोई भी दम नहीं है, तो निफ्टी कभी भी गिर सकता है। और देखिए उसके 2 मिनट 3 मिनट के बाद ही मार्केट ने यहाँ अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई, तो इसी रेड कैंडल को देखते हुए मैंने यहाँ पर पोजिशन बनाया, ठीक है। जो मेरा स्मॉल अकाउंट है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, लाइव ट्रेडिंग की वीडियो में डालता हूँ, उसमें मैंने छोटा सा स्कैल्पिंग किया, ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं, मैं बस ऐसे ही छोटा सा मैंने यहाँ पर ट्रेड किया। 5 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था प्रीमियम में, और 5 पॉइंट का टारगेट था, तो वो मेरे को यहाँ पर अचीव हो गया, तो मैं उसको लेके निकल गया, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने प्रूफ, आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुम मार्केट बंद होने के बाद फिर ज्ञान दे रहे हो, ठीक है। तो ये वाली बात, ये सारी चीज़ें मैं अपडेट करता गया। ये देखो मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर पोजीशन बनाई थी वो भी मैंने इसमें डाल दिया था, ग्रुप में अपडेट कर दिया था कि डोंट ट्रेड ऑन दिस जस्ट फॉर एजुकेशन। तो हम यहाँ पर कोई कॉल टिप नहीं देते ग्रुप में, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए चार्ट डालता रहता हूँ या फिर जो भी बातें बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, ये देखिए हमें यहाँ पर टारगेट भी मिला, मैंने ये भी पोस्ट किया था अपने ग्रुप में, आप सब जाके चेक कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये है ये ट्रेडर एमजे, और मैंने अपने क्या कहते हैं चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, और प्रीमियम में देखेंगे तो हमें 18 या 17-18 रुपये के आसपास हमें टारगेट मिला था। तो जो मैं अपने मेन अकाउंट में ट्रेड करता हूँ, तो वहाँ पर मैंने 10 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया था, जो मेरा टारगेट होता है, और 10 रुपये का एसएल होता है, 10 रुपये का टारगेट होता है, तो वहाँ पर हमने पूरी क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया था, ठीक है। और ये जो मैंने छोटे वाले अकाउंट में ट्रेड किया था उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में डाल दिया था, आप चेक कर सकते हैं। अभी तो सब कुछ क्लियर हो गया तो वो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, बट मैंने हाथों हाथ स्क्रीनशॉट लेकर डाल दिया था, ठीक है। चलो उसके बाद मैंने यहाँ पर जो डाला था यहाँ पर, यहाँ 60% लोगों ने उसको ट्रेड भी किया था, लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया, अच्छी बात है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमने दूसरे ट्रेड को, ये वाला ट्रेड हमारे जो बैंक निफ्टी का जो था वो मैंने डाला था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि मैंने क्यों ट्रेड किया था। तो अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, ठीक है। तो जब निफ्टी निफ्टी में दूसरे ट्रेड को हमने कैसे पकड़ा था, तो देखिए दूसरे ट्रेड का भी मैंने अपने टेलीग्राम में पहले से ही कर दिया था। अगर हम देखें टाइम तो 11:13 पर मैंने कुछ ऐसा यहाँ पर बनाया कि मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर हिंट दे दिया था लोगों की निफ्टी में ट्रेड बना रहा है ऑपरेटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी। और 11:28 पर मैंने कुछ ऐसी ड्रॉइंग बनाई कि या तो मार्केट ऐसे डाउन जाके अपसाइड जाएगा या अपसाइड जाके डाउन आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर पोल भी कराया, तो पोल में लोगों ने रेड रेड को चुना, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आपको मार्केट। तो अगर मैं बात करूँ कि मैंने कब डाला था ये पोस्ट, मैंने ये पोस्ट डाला हुआ था 11:13 पर, 11:28 पर। तो अगर हम 11:28 की बात करें, तो यहाँ पर 11:28 की कैंडल पे मैंने ये चीज़ डाली, और उसके कुछ मिनटों के बाद ही 11:35-36 के बाद ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया। और ब्रेकडाउन देने के बाद जैसे ही यहाँ पर मार्केट दोबारा ऊपर जाने लग गया, मैंने यहाँ पर पोजिशन बना ली थी, ठीक है, कॉल साइड की पोजिशन बना ली, जैसा मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, पहले ही बता दिया था ये सब होने से पहले। तो आप ये नहीं बोल सकते कि चार्ट मार्केट बंद होने के बाद फिर तुम ज्ञान दे रहे हो, तो ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है तो उसमें कोई मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैंने करा, और ऐसा करने के बाद ये मैंने यहाँ पर पोजीशन भी बनाई, और मैंने लोगों को बोल दिया ट्रेड ऑन योर ओन रिस्क, नॉट नॉट सजेस्टिंग एनी वन, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। जिन्होंने एंट्री बनाई होगी अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, उन्होंने प्रॉफिट किया, ठीक है। और बहुत अच्छा ये ट्रेड था, अगर आप देखेंगे कि प्रीमियम में हमें यहाँ पर जैसे हमने बोला था, अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो यहाँ से बहुत अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम आया। तो इतना बड़ा तो कोई भी मोमेंटम ट्रेड नहीं करता है, जितना हमारा टारगेट होता है मार्केट ने उससे भी ज़्यादा हमें दिया था। और देखिए यहाँ से 127 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम आया, और हमने प्रीमियम में अच्छा खासा 25% के आसपास उसमें रिटर्न बनाया था। तो मेन है कि हम अब बात कर लेते हैं कि ये वाला ट्रेड हमने क्यों लिया था। तो ये वाला ट्रेड लेने का बड़ा सिंपल सा रीज़न था, मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ था कि आज का जो दिन था वो यहाँ पर एसएल हंटिंग से ज़्यादा हो रही थी, साइकोलॉजी की हंटिंग, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया था ग्रुप में कि मार्केट में आज क्या होगा, कि हर रेजिस्टेंस पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे, और हर
यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होंगे, मार्केट उनको हंट करता हुआ ऊपर जाता हुआ चला जाएगा, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव था, लोग यही सोच रहे थे कि अब यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, अब यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए जहाँ पर हमें बाय करने का मौका मिला, हमने हमारे प्रॉपर सेटअप का वेट किया, प्रॉपर एंट्री का वेट किया और परफेक्ट एंट्री हमने ली। थोड़ा सा हमें लॉस भी दिखा था, हमने यहाँ पर क्वांटिटी को एवरेज भी किया था और क्वांटिटी एड करी थी, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की ओर दे दिया। तो अगर मैं ट्रेड लेने का रीज़न आपको बताऊँ तो ट्रेड लेने का रीज़न बड़ा सा सिंपल सा था। मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पर आकर अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ, तो मार्केट यहाँ पर आकर क्या कर रहा था, एक रेजिस्टेंस मार्केट ने बना यहाँ पर बना दिया था। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को बना के और मार्केट ने क्या करा था, ये एक पैटर्न भी बनाया हुआ था जिसको मैंने इस ब्लू लाइन के अंदर ड्रॉ किया हुआ है। इस पैटर्न को बनाकर मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, सेंटिमेंट मैंने जैसा बताया कि नेगेटिव था, तो लोग क्या करेंगे, हर इस रेजिस्टेंस को देख देख के बार बार लोग यहाँ पर सेलिंग की पोजिशन बनाएंगे, सेलिंग की पोजिशन बनाएंगे। तो जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो वो और ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ बैठ गए कि चलो अब यहाँ से गिरने वाला है मार्केट, नीचे SL यहाँ आराम से मिल जाएंगे। जो भाई SL हंटिंग करते हैं, सिर्फ SL हंटिंग करते हैं, जिनका साइकोलॉजी से कोई मतलब नहीं है और कुछ सोचते नहीं है, बस यहाँ से यहाँ फिब लगाया या फिर देख लिया कि हाँ भाई नीचे SL पड़े हुए हैं, चलो यहाँ से यहाँ तक हम फिब लगा लेते हैं और मार्केट इतना तो रिट्रेस करने आएगा नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक लगा लेते हैं और इस जोन तक तो मार्केट आएगा। तो उनने क्या करा, यहाँ पर पुट की पोजीशन बना ली होगी, यहाँ तक का वेट किया होगा, लेकिन मार्केट ने टारगेट नहीं दिया और मार्केट ऊपर चलता हुआ चला गया। देखिए, आपने बिल्कुल सही सोचा, आप SL हंटिंग पर काम करते हैं, लेकिन हम सिर्फ SL हंटिंग देख कर अगर आप काम करेंगे कि भाई कहाँ पर SL पड़े हुए हैं, तो उससे काम नहीं होने वाला है। ठीक है, इससे हट के आपको सोचना पड़ेगा। तो वही चीज़ हमने किया, इसलिए हमने यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई थी और कॉल की पोजीशन बनाकर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया, और ग्रुप में जिसने भी पोजीशन बनाई होगी उसने भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। बहुत अच्छा ट्रेड था, मैंने यहाँ कहीं एग्जिट किया था 146 के आसपास, पूरी क्वांटिटी, आधी क्वांटिटी मैंने 136 के आसपास निकाल दी थी और उसके बाद यहाँ पर हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि यही था, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रेड हमने क्यों लिया था। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, अगर आप SL हंटिंग को फॉलो करते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती होंगी, और मुझसे ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे आप लोग हैं, ट्रेडर हैं, अच्छी खासी नॉलेज है आपके पास। तो अब मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करने बैठूँ तो वो पॉसिबल नहीं है कि अब मैं हर चीज़ आपको बताऊँ, एक एक चीज़ें बताऊँ, क्योंकि एक ट्रेड लेने के पीछे सिर्फ एक रीज़न नहीं होता है, बहुत सारे रीजन्स होते हैं छोटे छोटे। तो जो मेन रीज़न था, जो मेन इस वीडियो को बनाने का रीज़न था, वो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड क्यों लिए गए थे, कहाँ कहाँ पर ट्रेड लिए थे, और एग्जैक्टली हमने परफेक्ट एंट्री बनाई, परफेक्ट एग्जिट यहाँ पर किया, हमने इस ट्रेड को बड़ा क्यों नहीं किया। जैसे मैंने इस ट्रेड में यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंस के साथ बैठा रहा इतने बड़े टारगेट के लिए, वो मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इसलिए नहीं कर पाया ना, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट आज ऐसा कुछ करने वाला नहीं है, मार्केट आज हर यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करेगा और उनको फिर हंट करता हुआ चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर ट्रैपिंग में पैसा बना लिया, ट्रैपिंग में पैसा बना लिया, हमने यहाँ पर ट्रैपिंग में पैसा बना लिया। ठीक है, तो ये था वीडियो, और मिलता हूँ मैं, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने ट्रेड क्यों बनाया था। बैंक निफ्टी का तो बड़ा सिंपल सा ट्रेड था ये वाला, और अगर आपने यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाई है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा रिस्की था। अगर आप रिस्क लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने रिस्क लिया, पैसा बनाया, अगर आप गलत हो जाते हैं तो आप लॉस भी अच्छा खासा लेते हैं, अगर आप यहाँ पर सही हो गए तो अच्छा खासा आपने प्रॉफिट भी बनाया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ये डिपेंड करता है कि आप कितने रिस्क टेकर हैं। मुझे यहाँ पर सही नहीं लगा, मेरे अंदर से गट फीलिंग नहीं आई कि मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊँ, तो मैंने इसको इग्नोर किया। ठीक है, मैंने ग्रुप में बता दिया था कि इसको छोड़ दो बैंक निफ्टी को, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर साइडवेज बिहेव कर रहा था, मैंने कहा था कि निफ्टी में ट्रेड कर लो, तो जिसने निफ्टी में ट्रेड किया होगा, क्योंकि निफ्टी में अच्छा खासा चार्ट हमें दिख रहा था और प्राइजेक्शन भी ठीक था निफ्टी का, तो हमने निफ्टी में ही ट्रेड किया आज, फ्राइडे के दिन। और जब यहाँ पर हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखी तो फिर हमने यहाँ पर ट्रेड कर लिया। तो अगर मैं आपको दो तीन रीज़न बताऊँ, पहला रीज़न तो बता दें मैंने कि मार्केट ने यहाँ पर पैटर्न बनाया, इसकी वजह से यहाँ ऊपर की साइड यहाँ SL अवेलेबल है। फिब का भी अगर आप सेटअप लगाएंगे तो फिब का भी यहाँ पर जोन आ रहा था, चलो भैया जो लोग फिब पर ही ट्रेड करते हैं सिर्फ, तो फिब की वजह से भी हमने यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर ट्रेड बनाया। तो ये हुए दो रीज़न। तीसरा रीज़न मैंने आपको बता दिया, साइकोलॉजी वाली बात। तो ये कुछ रीज़न होते हैं, दो तीन रीज़न की वजह से आपको देखना पड़ता है, अगर
उस हिसाब से अगर आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है ट्रेड लेने की, तो आपको ट्रेड में एंट्री लेना चाहिए। अगर कोई एक भी चीज़ आपके मन में डाउट रखता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो आप उस ट्रेड को अवॉइड करें। मेरी माने तो कोई बात नहीं, मार्केट आपको पूरे दिन भर में मौके देता रहता है। अगर आपको ट्रेड नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़बरदस्ती की ट्रेड करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं ढूंढना चाहिए। जब आपका यहाँ पर सेटअप बने, जब आपके जो भी आपके रूल है कि भाई इतने कन्फर्मेशन के साथ मैं ट्रेड लूंगा, अगर वो सारी चीज़ें पूरी होती हैं तो आप ट्रेड करें, अदरवाइज आप इग्नोर करें, पैसे को बचा के रखें। यही आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में ये हेल्प करेगी, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल होगा तो आप ट्रेड करेंगे। कैपिटल अगर उड़ा दोगे लालच में आके कि नहीं मेरे को तो आज ही ट्रेड करना है, आज ही पूरा पैसा क्या कहते हैं 50% 60% आज ही रिटर्न बना के जाना है, तो बड़ी जल्दी यहाँ से आउट हो जाओगे। तो यही थी बात। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ मैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।